हे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, काफी टाइम पहले से जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई भी नई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। उसका रीजन ये था कि मेरे पास कुछ एक काम थे जो कि मुझे काम खत्म करने थे। अब वो काम खत्म हो गए हैं, तो डेली बेसिस पे आपको एक नया टेक वीडियो देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक सरप्राइज के बारे में जो कि आपको मिलने वाला है यहाँ पे, जैसा कि आपको थंबनेल देख करके पता चल गया होगा। जैसा जी हाँ दोस्तों, ये है वो सरप्राइज जो कि मैं बताने वाला हूँ, ये फोन का करने वाला हूँ। आज मैं यहाँ पे रिव्यू क्विक रिव्यू करूंगा, साथ में थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करूंगा, क्योंकि ये आया है मुझे टेक्नो की तरफ से और इस फोन का जो नाम है टेक्नो कैमन आई। जी हाँ दोस्तों, इसका करने वाले हैं आज अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू, क्योंकि इस डिवाइस को मैं पिछले 3 दिनों से यूज कर रहा था, तो उसको मैं क्विक रिव्यू बताऊं और क्या प्राइस रेट है, क्या आपको ये डिवाइस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉक्स की, तो ये बॉक्स है मेरे सामने, टेक्नो का फोन है कैमन आई, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं बॉक्स कंटेंट के बारे में, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ 3 GB रैम देखने को मिलती है आपको 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। अगर मैं बात करूं अदर कंटेंट्स के बारे में, तो यहां पे बॉक्स के ऊपर मेंशन है 5.5 इंचेस का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे कैमरे की, तो 13 MP का फ्रंट कैमरा विथ फ्लैश देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, 13 MP का फ्रंट बैक कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसकी रोम के बारे में, तो रोम है यहाँ पे 32 GB की और 3 GB की रैम, साथ में 4G पोल्टी को सपोर्ट करता है। 3050 mAh की बैटरी देखने को मिलती है आपको। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे इस फोन के अंदर देखने को आपको ज़रूर से देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, साथ के साथ फेस अनलॉक का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड नूगट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 7.0। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ बॉक्स के ऊपर और कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फोन को मैं ऑलरेडी 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस फोन का रिव्यू अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे पहले मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे फ़ोन मैंने यहाँ पे कर लिया है बॉक्स को ओपन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह है डिवाइस। इस डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसको 3 दिन से काफ़ी यूज़ किया है, तो यहाँ पे यह है ओवरऑल डिवाइस है। और अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि पीछे आप लगा हुआ है, वो देखिए आप यहाँ पे अनलॉक भी हो गया है। दोस्तों, फटाफट इसका रैपर हटा लेते हैं। पीछे आपको यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में फ्लैश लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रंट की साइड में, आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पे फ्लैश लाइट, साथ में एक छोटी सी LED आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फ़ोन के बारे में, तो ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इस प्राइस में, अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में, तो इस प्राइस में जो भी फीचर्स ये फ़ोन दे रहा है, वो काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए फ़ोन को रखते हैं हम साइड में, लेकिन अभी बात करते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस बॉक्स के अंदर, आपको मिलता है कुछ इसी तरह की चीज़ें, जैसे कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे सबसे पहले चार्जर जो कि है 5 वोल्ट का और जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, इसको रख देते हैं यहाँ पे साइड में। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हैंड फ्री मिल जाएंगे आपको, जो कि एक ठीक ठाक से हैंड फ्री अगर मैं बात करूँ हो सकते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ी सी आपको अलग टाइप की देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसको भी रख देते हैं हम साइड में। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चार्जिंग के लिए, यहाँ पे डाटा केबल आपको मिल जाती है जो कि टाइप सी की है। दोस्तों, ये था बॉक्स के अंदर कंटेंट, और इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पर मिल जाता है आपको, वाओ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेयर्स आपको मिलते हैं कुशंस के, जो कि एयरफोन्स के अंदर आप लगा सकते हैं, इसको भी हम रख देते हैं साइड में। दोस्तों, यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल्स देखने को मिल जाएंगे, छोटे से यूज़र मैनुअल हैं जिसे कोई आज तक तो पढ़ता नहीं है, यूज़र मैनुअल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी आपको मिलेंगी, साथ में आपको एक क्रिस्टल कवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्लेक्सिबल है और इस फ़ोन को प्रोटेक्ट भी करेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के बारे में, फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 7 जैसे कि मैंने आपको बताया एंड्रॉयड 7 है, और यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे अपडेट भी इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फ़ोन के कंटेंट के बारे में, तो यहाँ पे बहुत ही शानदार फ़ोन मुझे लगा इस बजट प्राइस के अंदर। इस फ़ोन की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, तो तकरीबन 8,300 रुपये की कॉस्टिंग रखी गई है इस फ़ोन की, और ये अगर आप लेते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर,
अमेजोन के ऊपर, तो वहाँ पे और भी अच्छा फ़ोन आपको ये मिल जाएगा और भी अच्छे प्राइजेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस फ़ोन का तो लिंक दे ही दूंगा, वहाँ से भी जाकर के आप इसको परचेस कर सकते हैं। अबाउट फ़ोन के अंदर हम चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिस्टम अपग्रेडेशन एंड्रॉयड वर्जन 7 है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ बिल्ड वर्जन की तो यहाँ पे बिल्ड वर्जन भी आपको देखने को मिलता है और कुछ अदर टेक्निकल डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉयड नूगट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एंड्रॉयड नूगट इसके अंदर देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस बजट प्राइस में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के कैमरा की तो कैमरा भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कैमरे की क्वालिटी तो काफ़ी, ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप ख़रीदना चाहें इस बजट प्राइस पर, अगर आपको स्मार्टफोन लेने की ट्राई कर रहे थे तो ये फ़ोन आपके लिए हो सकता है काफ़ी अच्छा। आफ्टर सेल सर्विस की तो मैं बात नहीं कह सकता, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस भी वहाँ पे अश्योरेंस दी गई है कि आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और इस वीडियो के साथ साथ आपको यहाँ पे इस घंटी के निशान पे जाकर के क्लिक भी करना है ताकि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे आपसे कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग टेक वीडियो में, तब तक के लेता हूँ आपसे विदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।